हजारों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली होता था। हालांकि ये अपनी इच्छा कभी शब्दों से जाहिर नहीं करते थे, लेकिन इनके हृदय की आवाज दूसरों के मन तक बिना बोले ही पहुंच जाती थी। इन्हें कहीं जाना होता तो ये कुछ कहने की बजाय माताजी के आसपास चक्कर लगाने लगते, और जब माताजी हंसकर स्वयं ही पूछती, कहाँ जाना है, पूछने आए हो, तो आप मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते। बचपन से ही आप में इस कदर पूर्ण समर्पण भरा हुआ था कि जब माताजी बड़े शौक से पूछती, मेरा भोला क्या खाएगा, तो धीमी आवाज में एक ही उत्तर मिलता, आप जो भी खिलाओगे। आपके मन में संपूर्ण सृष्टि के प्रति आदर सत्कार का भाव इस कदर था कि सजीव निर्जीव हर वस्तु के नाम के साथ जी लगाकर संबोधित करते थे, जैसे पंखा जी, कुर्सी जी, डॉगी जी आदि। आप में छोटी आयु से ही धैर्य और संतोष के भाव भी स्पष्ट दिखाई देते थे। यदि कुछ मिल गया तो भी खुश, नहीं मिला तब भी प्रसन्न। यदि माताजी बाजार से सिर्फ बच्चियों के लिए वस्त्र इत्यादि ले आती, तब भी आपके मुख से कभी ये नहीं सुना कि मेरे लिए क्यों नहीं लाए। बचपन के दिनों को याद करते हुए आपकी माताजी ने बताया, कोई भी छोटी या बड़ी चीज इन्हें दी गई, उसे इन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया। मेरे और तेरे का भाव इनके मन में कभी नहीं आया। बचपन से ही इनका स्वभाव बस देने ही देने वाला था, जैसा कि एक दाता का स्वभाव होता है।